प्रस्तुतकर्ता पतंजलि योग के साथ रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक औषधियाँ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी, हर बूंद में शुद्धता। विमान में बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एयर इंडिया ने भी जारी किया नोटिस। झारखंड में अमित शाह का सोरेन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप। कहा, जनजातीय महिलाओं से जबरन शादी कर हड़पी जा रही है जमीन। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर झूठ बोलने का आरोप। कहा, केजरीवाल ने रोजगार को लेकर बोला झूठ, दिल्ली को पेरिस बनाने का भी वादा नहीं निभाया। जोशीमठ में दरार पर केंद्र और उत्तराखंड सरकार अलर्ट। सीएम पुष्कर धामी ने लिया जायजा। स्थानीय लोगों ने अपनी तकलीफ मुख्यमंत्री को बताई। और भारत में लॉन्च हुई BMW 7 सीरीज और i7 इलेक्ट्रॉनिक सेडान। BMW 7 सीरीज की शुरुआती कीमत 1,70,00,000 रुपए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। शाम 5 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की खबरें जो है वो आपके सामने रखेंगे। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में उन्हें पेश भी किया, जहां से कोर्ट ने संजय मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। एक महत्वपूर्ण खबर आप देख रहे हैं, एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला के साथ बदसलूकी शंकर मिश्रा ने की थी, जिसके बाद बेंगलुरु से उन्हें गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां कोर्ट में शंकर मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय झारखंड के दौरे पर है। आज चाईबासा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य के सीएम आदिवासी हैं, लेकिन यह सरकार आदिवासी विरोधी है। सोरेन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि यहाँ जनजातीय महिलाओं से जबरन शादी कर जमीन हड़पी जाती है। जोशीमठ में दरार को लेकर केंद्र और झारखंड सरकार जो है वो अलर्ट मोड पे आ गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज जोशीमठ में हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से बातचीत भी की। सीएम धामी ने कहा कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है और दरार की वजह का पता भी लगाया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम धामी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। जोशीमठ में घरों में आई दरार के बाद कई परिवारों को वहां से कैंप में शिफ्ट किया गया है। सरकार का दावा है कि यहां पर उन्हें सभी तरीके की सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही है। इसी पर जी मीडिया ने एक रियलिटी चेक किया है, देखिए। अभी हम है ग्राउंड जीरो जोशीमठ में, जहाँ पे सिंहधार एक प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ पे जो जिनके घर भूदशाओं में ढह गए थे, जो क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन लोगों की व्यवस्था यहाँ पे प्राइमरी स्कूल में यहाँ पे प्रशासन ने की है। आप लोगों की यहाँ पे व्यवस्था की है प्रशासन ने, ये क्या ठीक है? हाँ, हमें जब हमारा घर टूटने के उसमें है तो हमें यहाँ पे व्यवस्था की गई कि यहाँ पे रहो, यहाँ पे आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैंने 3 बच्चों को उठा के यहाँ पे बैठे हैं। चलो, जैसे खाना पीना तो हम जैसे भी आज दिन में दिया था, अभी नहीं दिया कोई बात नहीं, ऐसा तो हम चलते। पति मेरा है नहीं, मकान जो था हमारा वो टूट गया, ये 3 बच्चे हैं मेरे, और मैं कैसे कह रहा हूँ सरकार से मैं मदद चाहती हूँ कि मेरे को आवास दिलाने की कोशिश। कब तक रहूँगी मैं स्कूल में, कब तक खाऊंगी ऐसी मैगी, सरकार कब तक दिलाएगी ये चीज़? मुझे आवास दिलाने की कोशिश करे, जिससे जिस एक कमरा हो दो कमरों में अपने बच्चों को पालूँ, जिसमें मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो है व्यवस्था यहाँ पे प्रशासन ने की। हालांकि जो प्रशासन और शासन ने जो कहा है कि
फ्री फैब्रिकेट जो है हाउस यहाँ पे बनने हैं, जिसमें जेपी कंपनी और एनटीपीसी यहाँ पे इन लोगों को बनाएगी। अभी वो प्रस्तावित है, हालांकि अभी जो व्यवस्था की गई है वो प्राइमरी स्कूल और भी कई यहाँ पे जो है जोशीमठ में स्कूल है वहाँ पे इनकी व्यवस्था की गई। जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो प्रभावित हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे ठीक ढंग से व्यवस्था अभी तक हमारी हो नहीं पा रही है। तो और भी जो है यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं किस तरह से जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं। जी मैडम, किस तरह से व्यवस्था यहाँ पे खाने पीने की, रहने की, जो प्रशासन यहाँ पे की? यहाँ पे तो व्यवस्था भैया कुछ नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे स्कूल में रहने के लिए बोल दिया है। घर तो हमारा पूरा टूट चुका है, उन्होंने बोला कि खाना लेके आएंगे, खाने वाले भी तो कोई आए नहीं अभी तक। हम ऐसे बैठे पड़े हैं, हमने मैगी से अपना गुजारा किया है। और अभी तो देखो, आप खुद देखो, इस इतने ठंड में ऐसे इतना पूरा परिवार एक साथ भी यहाँ पर बैठा है। कोई जेठ है, बहू है, कैसे कैसे हम रह रहे हैं वो हम ही को पता है ऐसे। तो फिर इस चीज़ के लिए जल्द से जल्द हमें कहीं भी व्यवस्था करे सरकार, हम इसीलिए चाहते हैं सर। यहाँ पर जो राहत शिविर है, जो प्रशासन ने यहाँ पे लगाया है, सिंहधार का एक प्राइमरी स्कूल है जहाँ पे इन लोगों की व्यवस्था की गई है। और इन लोगों का जो मानना है कि यहाँ पे सही ढंग से जो है व्यवस्था जो है प्रशासन ने नहीं की है। पुष्कर चौधरी, जी मीडिया, जोशीमठ, सिंहधार। तो जोशीमठ में घरों और सड़कों में आई दरारें सरकार और आम लोगों के लिए चिंता का विषय बन गई है। इसे लेकर भूगर्भ वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही देवभूमि को बचाया नहीं गया तो जोशीमठ की दरकती जमीन हमेशा के लिए विलुप्त हो सकती है। जितने भी मकान हैं वहाँ पे सीवर सिस्टम नहीं है, सोकपिट्स हैं। उस सोकपिट्स में पानी जाता है और वो पानी कहीं ना कहीं जो है सरफेस के अंदर जाता है, जो कि फाइन मटेरियल को और नीचे बैठाता है। वही प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। तो जोशीमठ को अगर बचाना है तो जोशीमठ को बचाने के लिए आपको एक तो सारी नालियों को पक्का करना होगा, पानी ऐसी जगह छोड़ना होगा कि जो जोशीमठ का जो टोटल एरिया है वहाँ पे कहीं भी सरफेस के नीचे पानी ना जाए। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव में मारपीट के खिलाफ प्रदर्शन किया। एलजी ऑफिस का घेराव करके आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने एलजी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आप नेता अतिशी ने कहा कि दिल्ली में मेयर पद की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में राजघाट पर बीजेपी के नेताओं ने भी धरना प्रदर्शन करके दिखाया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मेयर चुनाव के दौरान सदन में मारपीट का आरोप भी लगाया है और कहा कि केजरीवाल के बजट में किया गया वादा अधूरा है। जो हमने बजट में कहा था उसका कितना प्रतिशत काम धरती पर उतरा है, कितना काम हुआ है? अरविंद केजरीवाल जी के सरकार को लगभग 8 वर्ष दिल्ली में पूरे हो चुके हैं, तो ये जो आउटकम एनालिसिस बजट का अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रहा है, यह वो पोथी है जिसे मैं दिखा रहा था। और आपको आश्चर्य होगा कि अधिकांश काम जो बिग टिकट अनाउंसमेंट्स अरविंद केजरीवाल जी ने किया है उसमें किसी प्रकार की आज सूची में कोई भी जमीन पे उतरता हुआ विषय दिख नहीं रहा है। और आइए अब बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा के करनाल से शुरू हुई है। यात्रा में आज कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और बॉक्सर जितेंद्र सिंह भी शामिल हुए। यात्रा में राहुल गांधी के साथ भारी भीड़ शामिल थी। यात्रा के समय जीटी रोड पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। यात्रा में राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका के डॉग को साथ लेकर चले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा को देश में परिवर्तन लाने वाली बताया है। कंजावला केस में अंजलि की दोस्त निधि लगातार सवालों के घेरे में है। निधि पर लगातार बयान बदलने का आरोप लगाया जा रहा है। अब निधि पर एक पुराने केस में गांजा सप्लाई का भी आरोप लगाया गया है। देखिए, कंझावला केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अब इस केस की एकमात्र गवाह निधि के बारे में नई जानकारी सामने आई है। 2020 में ड्रग्स केस में आगरा से उसे गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निधि तेलंगाना से ट्रेन से गांजा लेकर आगरा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी, जहाँ 6 दिसंबर 2020 को उसे गिरफ्तार किया गया था।
उसके साथ समीर और रवि नाम के दो लड़के भी गिरफ्तार हुए थे। फिलहाल निधि जमानत पर बाहर है। कंझावला कांड के बाद लगातार अंजलि की सहेली निधि सवालों के घेरे में रही है। निधि के ऊपर बयान बदलने के आरोप लग रहे हैं। नहीं नहीं, हमारे को ऐसा कुछ नहीं पता कि वो क्या करती थी क्या नहीं करती थी, अपने को ऐसा कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जब उसका अभी रिकॉर्ड खंगाला है, पुराना से रिकॉर्ड खंगाला है, तो वो रिकॉर्ड में निकला बाहर आया है कि उसे सिकंदराबाद की पुलिस ने जो है रेलवे पुलिस उसे गिरफ्तार किया, 10 किलो गांजा ला रही थी। सर वो तो निधि ला रही है ना, हमारी लड़की तो नहीं ला रही ना। निधि से पूछताछ ही करिए जाए ना, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। हमारी लड़की के बारे में तो यूँ बताया ना, 10-15 दिन पहले से ही वो जानती थी। हमारी लड़की तो नहीं है ना इस चीज़ में, 3 साल पहले 2020 का वो बता रहे। पुलिस ने हादसे वाले रूट और घटनास्थल के पास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, जिनमें निधि और अंजलि स्कूटी पर एक साथ देखे गए, जिसके बाद पुलिस ने निधि से पूछताछ की है। निधि खुद या पीड़िता के बारे में जो आई विटनेस है, वो आई विटनेस का जो स्टेटमेंट 164 में हमने दर्ज कराया है, उसकी जो कंटेंट है वो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। उसने कहीं कोई प्राइवेट स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में मैं, मेरे लिए कुछ कहना संभव नहीं है। अंजलि की मौत मामले में सामने आ रहा हर सीसीटीवी फुटेज पूरी घटना को और उलझा रहा है। घटना के 7 दिन बीतने के बाद भी न दिल्ली पुलिस ये साफ कर पा रही है कि असल में पूरी कहानी क्या है, और न ही अंजलि के साथ घटना के वक्त मौजूद उसकी दोस्त कुछ साफ साफ बता पा रही है। साथ ही निधि पर ड्रग्स तस्करी का भी आरोप है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, क्या निधि का क्राइम से पुराना नाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सड़क हादसे का शिकार हुए स्टार भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की सर्जरी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फिलहाल पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा है। क्रिकेटर ऋषभ पंत के घुटने की सर्जरी कल सफलतापूर्वक की गई। पंत फिलहाल मेडिकल टीम की निगरानी में है और तेजी से रिकवर हो रहे हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड और शीतलहर का कहर जो है वो जारी है। ठंड लगातार दर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज भी दिल्ली एनसीआर में कोहरे का असर बना हुआ था। मौसम विभाग के अनुसार आज न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री दर्ज किया गया है। दिल्ली में कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर हो गई है। उत्तर भारत में कोहरे की वजह से करीब 32 ट्रेनें लेट चल रही हैं, वहीं 34 फ्लाइट्स भी प्रभावित हुई है। जनवरी के मौसम में सर्दी नई बात नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली और उत्तर भारत में के मैदानी इलाकों में जनवरी के महीने में पड़ रही ठंडी लोगों का जीना हराम कर रही है। देखिए, कड़ाके की सर्दी ने कैसे रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लगा रखा है, इसकी तस्वीर दिखी जम्मू कश्मीर के बारामूला में, जहां पाइप के जरिए सप्लाई होने वाला पानी जम गया और लोग पाइप के नीचे आग जलाकर बर्फ को पिघलाते दिखाई दिए ताकि पीने का पानी जुटा सके। काफी मशक्कत और इंतजार के बाद पाइप से जो पानी निकला वो बर्फ के टुकड़ों की शक्ल में था। सारे दिन भर लगे रहते हैं, घरों से मिट्टी का तेल मांग मांग के लाते हैं, लकड़ियां लाते हैं, दिन भर वो कोरा पिघलाते हैं और शाम को पाइप जो पानी है वो मुहैया करवाते हैं लोगों को, लेकिन रात के वक्त फिर वो पाइप जम जाती है और दूसरे दिन फिर उनका यही हाल रहता है। बारामूला में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। पानी की पाइपलाइन के आसपास की जमीन भी बर्फ से ढकी दिखी। और ये डायरेक्ट नदी से पाइप लगाई गई है तो आजकल लोगों को बहुत मुश्किल आता है, सुबह कोहरा होता है, कहां से पानी लाएंगे। कई जगहों पर पानी के बर्फ बन जाने की वजह से पाइपलाइन तक फट गई, जिससे पानी की धार बहती दिखाई दी। बाद में जल विभाग के कर्मचारियों ने पाइपलाइन में हो रहे लीकेज को ठीक किया ताकि पानी की सप्लाई चालू रहे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड और बर्फ ने ये मुश्किल तो बढ़ाई है, लेकिन इसी बर्फ ने टूरिज्म सेक्टर से जुड़े कारोबारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है, क्योंकि बर्फ से भरे पहाड़ों की सैर के लिए सैलानियों का भारी हुजूम कश्मीर घाटी पहुंच रहा है। पर्यटकों की वजह से गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर के सारे होटल, गेस्ट हाउस और रिजॉर्ट बुक हो चुके हैं।
गुलमर्ग और पहलगाम में स्कीइंग करने पहुंचे सैलानी बर्फ से ढकी चोटियों को देखकर निहाल हैं, तो वहीं श्रीनगर में डल झील पर तैरते शिकारे सैलानियों का मन मोह रहे हैं। पर्यटन विभाग को भी उम्मीद है कि बीते दो साल कोविड महामारी ने जो नुकसान पहुंचाया था, इस साल बहुत हद तक उसकी भरपाई हो जाएगी। इस बार हमने देखा है कि गुलमर्ग ही नहीं बल्कि और भी बहुत डेस्टिनेशंस जो हैं, जैसे पहलगाम प्रीवियसली विंटर डेस्टिनेशन नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले साल भी लोग आए और इस साल बहुत लोग आए। वहां पर हमारा जो इवेंट हुआ था न्यू ईयर्स पे, हमने वहां देखा कि इट वाज कम्प्लीटली पैक्ड। कश्मीर में सैलानियों की भीड़ देख स्थानीय व्यापारी भी खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको दिखाते हैं जोरजिला दर्रे से जुड़ी एक खबर। भारी बर्फबारी के चलते बीआरओ ने जोरजिला दर्रे को बंद कर दिया है। देखिए इस पर ये स्पेशल रिपोर्ट। बर्फ से ढका ये हाईवे और बर्फ को हटाती ये मशीनें। तस्वीरें हैं हिमाचल में समुद्र तल से 3528 मीटर ऊंचे जोरजिला दर्रे की, जिस पर वाहनों की आवाजाही आधिकारिक तौर पर बंद हो गई है। -20 डिग्री तापमान और लगातार बर्फबारी के बावजूद जोजिला दर्रा इस बार जनवरी के पहले हफ्ते तक ट्रैफिक के लिए खुला रहा। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब बीआरओ ने जोजिला दर्रे से आखिरी कारवां रवाना किया। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने की आशंका को देखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को ये फैसला लेना पड़ा। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हम जानते हैं कि कम टेम्परेचर होने के कारण यहाँ के टेम्परेचर -25 तक जाते हैं और भारी हिमपात होने की वजह से ट्रैफिक का मूवमेंट इस रोड के ऊपर संभव नहीं हो पाता है। और अगर हम पिछले साल के कुछ आंकड़े देखें तो 15 नवंबर से लेकर के दिसंबर के पहले हफ्ते के बीच में जोजिला पास को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशों की वजह से पिछले 40 दिनों में 3500 वाहनों ने कश्मीर से लद्दाख जाते हुए जोजिला दर्रे को पार किया। बीआरओ ने प्रोजेक्ट बीकन के तहत लोगों को लद्दाख क्षेत्र से कनेक्टिविटी की सुविधा दी। पिछले 2-3 दिनों में हुई बर्फबारी के कारण श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रे के साथ सड़क पर फिसलन हो गई है, जिससे यातायात बाधित हो गया है। जोजिला दर्रा एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है जो कश्मीर घाटी से लद्दाख तक जाता है। यह दुनिया के सबसे जोखिम भरे दर्रों में से एक है। वहीं दूसरी ओर उत्तर भारत में भीषण शीतलहर की चपेट में आ चुका है। कानपुर में एक दिन में 25 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। एक रिसर्च के मुताबिक जिन्हें दिल की बीमारी होती है उनमें ठंड के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। ठंड के दिनों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है, देखिए इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने कोहराम मचा रखा है। दिल्ली में तो पारा 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया है। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर भारत के तमाम शहरों का है। कड़ाके की ठंड हार्ट के मरीजों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। शीतलहर से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कानपुर में पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। 2 जनवरी से अब तक कानपुर में 50 से अधिक लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। दरअसल ठंड और हार्ट की बीमारी का गहरा कनेक्शन है। पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग पहले से हार्ट की समस्या से जूझ रहे हैं उनमें ठंड के दौरान हार्ट अटैक का खतरा 31% तक बढ़ जाता है। ठंड की चपेट में वे लोग ज्यादा आ रहे हैं जो उम्र दराज हैं और हार्ट के अलावा ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ठंड के मौसम में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त हो जाती हैं, जिसके चलते नसों को गर्म और एक्टिव करने के लिए ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और इससे ब्लड प्रेशर के बढ़ने की आशंका रहती है। खासकर सोते समय बॉडी की एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल भी इस दौरान कम हो जाता है। ठंड के दिनों में दिल को इसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दिल को पंप करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे में दिल का प्रेशर बढ़ जाता है। यही वजह है कि जिन्हें हार्ट की बीमारी है उनमें हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। इसी के चलते ओपीडी में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों की संख्या अधिक आ रही है। शीतलहर के दौरान हार्ट के मरीजों को सांस लेने में दिक्कतें होती हैं। इसकी वजह घना कोहरा और एयर पोल्यूशन होता है। वहीं कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो शरीर से पसीना भी नहीं निकलता, इससे बॉडी में पानी की अधिकता हो जाती है। बॉडी में पानी का लेवल बढ़ने से ये फेफड़ों में जाकर जमा हो जाता है, इससे भी हार्ट की एक्टिविटी प्रभावित होती है।
इसके अलावा हार्ट की मजबूती के लिए धूप का सेवन जरूरी है। इससे हार्ट को विटामिन डी की खुराक मिलती है। ये खुराक शरीर में ब्लड प्रेशर को संतुलित रखती है। ब्लड प्रेशर के काबू में रहने से हाइपरटेंशन की समस्या नहीं होती और हार्ट बीट ठीक से काम करता है। लेकिन शीतलहर के दौरान हमारा शरीर धूप के संपर्क में नहीं होता, ठंड के चलते बॉडी में बीपी की गतिविधियां नियमित नहीं रह पाती और इसका सीधा असर हार्ट पर पड़ता है। ठंड में दिल और दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए जब भी घर से बाहर निकलें तो कान को बांध कर रखें, हाथों में दस्ताने पहने, पैर नंगे न रखें, मोजे पहनकर रखें। खाने में खासकर तला भुना खाना कम खाएं, साथ ही शराब का सेवन न करें, वहीं ज्यादा पानी न पिएं और प्यास लगने पर रुक रुक कर पानी पिएं ताकि ठंड के दौरान भी आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। BMW इंडिया ने देश में सातवीं पीढ़ी की 7 सीरीज और पहली i7 इलेक्ट्रॉनिक सेडान लॉन्च कर दी है। नई BMW 7 सीरीज की शुरुआती कीमत 1,70,00,000 रुपए रखी गई है, जबकि नई i7 की कीमत 1,95,00,000 रुपए रखी गई है। दोनों मॉडल्स की बुकिंग आज से शुरू हुई है, जबकि कार की डिलीवरी मार्च 2023 में होगी। नई पीढ़ी की BMW 7 सीरीज के पावर ट्रेन की हम बात करें तो इसमें 375 BHP के साथ 3.0 लीटर स्ट्रेस 6 पेट्रोल मिलता है। 2022 इंडियन लग्जरी का मार्केट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर रहा। हमने जबरदस्त ग्रोथ देखी इस साल, यानी कि 2022 की बात करिए, और 23 में क्या ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू होगा, किस तरीके का एक्साइटमेंट होगा इन द लग्जरी कार स्पेस। वेल, टू टॉक मोर अबाउट दिस, आई हैव विद मी BMW के प्रेसिडेंट इज हियर विद मी, द ग्रुप प्रेसिडेंट मिस्टर विक्रम पावा, जो हमारे साथ बात करेंगे और बताएंगे 2023 कंपनी के लिए कैसा रहा और लग्जरी मार्केट कैसे ग्रो करने की उम्मीद कर रहे हैं। विक्रम, लवली टू हैव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू स्वाति। सबसे पहले तो आई बिलीव शायद BMW ने ये अनाउंस किया कि 18 नए मॉडल्स 2023 में लेके आएंगे, एक तो ये बहुत बड़ा नंबर है, तो क्या हम उम्मीद करें हर महीने बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप ये सोचिए तो अभी हमने दिसंबर में अनाउंस किया था कि हम 8 हफ्ते में 8 मॉडल लॉन्च करेंगे। प्रोडक्ट ऑफेंसिव जो है हमारा मेनली फोकस रहा है। अगर आप पिछले साल भी देखेंगे 2022 में हमने 26 प्रोडक्ट लॉन्च किए थे तीनों ब्रांड में, BMW, मिनी और मोटराग में, एंड उसी वजह से जो हमारा साल था वो बेस्ट एवर ईयर रहा है हमारा, हमारी 15 साल की हिस्ट्री में। सो BMW की बेस्ट सेल्स, मिनी की बेस्ट सेल्स, मोटराग की बेस्ट सेल्स। ये ग्रोथ कहां से आ रही है, मतलब ये मैं जानना चाहूंगा। कस्टमर्स से, लग्जरी स्पेस ने जितनी ग्रोथ 2022 में देखी है पहले कभी नहीं देखी। मेन पॉइंट है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ी अनसर्टेनिटी वापस हमने देखी है मार्केट्स में, थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है ग्लोबली, उसका कहीं ना कहीं असर यहाँ पर भी पड़ेगा, तो कैसे देख रहे हैं 2023? मेरे हिसाब से जो मुझे दिख रहा है, जो अभी तक मेरे को इवन दिसंबर में मैं देखूं या नवंबर में देखूं, आफ्टर जब ये ग्लोबल रिसेशंस की बातें हो रही हैं, इंडिया में एटलीस्ट हमारे ब्रांड के लिए हमें कोई स्लो डाउन नहीं दिखा, बिकॉज आई थिंक हम काफ़ी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, लाइक सर, एंड डिमांड बढ़े जा रही है, बिकॉज वी आर गेटिंग मोर पीपल इन टू दिस फोल्ड। ओके, ये हो रहा है कि जैसे हमने यू नो 3 ग्रैंड लिमोजीन लॉन्च की थी, वो हमारा एक बेस्ट सेलर बन गया पहले एक साल के अंदर ही, यू नो, सो दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी। अब हम लॉन्च करने वाले हैं ये 7 सीरीज, राइट? ये 7 सीरीज अगेन, ऑल्दो ये टॉप एंड ऑफ द मार्केट में है, बट इट अट्रैक्ट्स पीपल अपवर्ड्स। ओके, देयर इज ट्रैक्शन, एंड आई थिंक अच्छा साल रहेगा हमारे लिए। ओके, मेन चैलेंज ये होगा कि हम सप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और टाइम पीरियड कितना है आपकी गाड़ियों पर? हर गाड़ी पे डिफरेंट है, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में साल भर से ऊपर है, बाकी गाड़ी में 4 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, बट हम यही कोशिश करें कि कैसे कस्टमर्स को इन्फॉर्म रखें, कैसे क्विकली और प्रोडक्शन कर सकें। अब बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ 7% रह सकती है। एनएसओ ने आज एडवांस अनुमान जारी किया है। सरकार का जीडीपी ग्रोथ अनुमान आरबीआई के अनुमान से ज्यादा है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% रखने का अनुमान जताया है। एनएसओ ने जीवीए ग्रोथ अनुमान पिछले साल 8.1% से घटाकर 6.7% कर दिया। एनएसओ में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ का पहला अनुमान जारी किया है। अनुमान के मुताबिक इस साल कृषि सेक्टर का ग्रोथ 3.5% रह सकता है। अब ठगी का एक नया मामला सामने आया है। ठगों ने KFC के फ्रेंचाइजी के नाम पर लाखों की ठगी कर ली है। मामला इतना संगीन है कि फास्ट फूड चेन चलाने वाली कंपनी KFC ने लोगों को
ठगों से बचने की सलाह दी है। इसके लिए कंपनी ने बाकायदा अखबारों में विज्ञापन निकाला है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है इसकी कहानी, ये बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी सुबोध मिश्रा जुड़ चुके हैं। सुबोध, केएफसी के नाम पर फ्रेंचाइजी बेचकर ये एक बड़ा खेल जो है वो खेला जा रहा है, आखिर पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो ठगी के मामले देखे गए हैं उसमें ज़्यादातर ऐसे लोगों को ठगा गया है जो गरीब है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको लालच में फंसा करके ठगा गया है, जो 10-20 हज़ार रुपये की ठगी होती थी और मात्रा में होती थी। ये एक ऐसा मामला जो सामने आया है, ये ऐसे लोगों को ठगने का मामला आया है जो मिडिल हाई क्लास है, जिनकी जो कैपेसिटी है पैसा देने की वो लाखों करोड़ों में है। वही चीज़ों को ते हुए इन ठगों ने डिटो जो केएफसी कंपनी है उसी के लोगो, उसका जो ट्रेडमार्क है, उसके इवन उसका जो एड्रेस वगैरह है, वेबसाइट है, डिटो उसको पूरा कॉपी करके उन्होंने वेबसाइट बनाई और अपने शिकार ढूंढे, और ऐसे लोगों को उन्होंने ठगा है जिन लोगों ने लाखों में दिया है। इसमें आपको मैं बता दूं कि एक मामला पिछले साल का ही है, एक विक्टिम है जो पिछले साल उन्होंने तकरीबन 80 लाख रुपये तक जो है ठगों ने उनसे फ्रॉड कर लिए, और वो सिर्फ इसी बात पे फ्रॉड किया गया है कि उनको केएफसी की फ्रेंचाइजी दी जाएगी। फ्रेंचाइजी के नाम पर पहले उनसे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, रजिस्ट्रेशन के नाम पे पहले पैसे लिए गए, उसके बाद फिर उनको ये बताया गया कि आपको एनओसी देना पड़ेगा, उसके लिए पैसा लिया जाएगा, और उसके बाद फिर जब ये पैसा मिल गया, फिर जब पूरी तरह से जो महिला थी वो उनके उसमें आई, झांसे में आ गई, तो फिर उन्होंने कहा कि आपके इधर फर्नीचर कैसा लगेगा, क्या लगेगा, वो भी हमारी कंपनी डिसाइड करती है, वो फर्नीचर के नाम पे पैसा लिया। ऐसे करके लगभग 80 लाख के करीब उस महिला से उन्होंने जो ऐठे, जब महिला समझ गई कि इतना देने के बाद भी उसे जब नहीं मिल रही है फ्रेंचाइजी, तब उसने संपर्क किया कंपनी से। इसी तरह का एक मामला हरिद्वार का भी है, वहां से भी करीब 9.5 लाख रुपए एक व्यक्ति से ऐठे गए। इस तरह के मामले कई काफी समय से चले आ रहे थे, जिसके चलते जो केएफसी कंपनी है उसने इस तरह का अखबार में एडवर्टाइज दिया, विज्ञापन दिया कि इस तरह का उनके यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो सावधान रहने के लिए उन्होंने बोला। जी, और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।